हमारे यहाँ जो है सागर नाके पे प्लस हमारे जबलपुर नाके मारूताल पे चेक पॉइंट बना है, और चेक पॉइंट पे जहाँ से भी लोग आ रहे हैं अन्य राज्यों से, सभी का वहाँ पे टेस्ट हो रहा है और सभी की वहाँ पे जांच की जा रही है। हमारी लगभग 12 टीम वहाँ पर लगी हुई हैं, रात दिन से काम चल रहा है। रात की टीम अलग है, सुबह दिन की टीम अलग है। अब ये हमारे समझ में नहीं आया कि वो यहाँ से कैसे बच के निकल गया, किसी अन्य रास्ते से निकल गया या जैसे भी निकल गया हो, ये हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि रास्ते कई होते हैं, पगडंडियाँ वगैरह होती हैं, तो उन लोगों को मालूम रहता है। अब यहाँ हमारे यहाँ चेकअप होता है, यहाँ से तो कोई छूट के जा नहीं सकता है, और यदि वो वहाँ पहुँच भी गया तो ये है कि फिर उसको बाकायदा कोविड केयर सेंटर में रखा गया, उसका सैंपलिंग किया गया, और सैंपल के बाद जो है उसका सैंपल हुआ था 10 मई को, और उसकी छुट्टी शायद 14 मई को की गई है। तो जिस तरह से उस यशवंत पटेल जी ने कहा है, तो ये उनका आरोप ठीक नहीं है। और जैसे ही हमें ज्ञात हुआ कि ये पॉजिटिव पेशेंट मिला है, तत्काल यहाँ से माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, मैं और सीओ जिला पंचायत प्लस हमारे ब्लॉक लेवल की सारी टीम वहाँ पर सर्रा गांव पहुँची, और वहाँ पहुँचकर हमने स्वयं उससे बातचीत की थी, और बातचीत के दौरान उसने ये ज़रूर कहा था कि हमको कोविड केयर से छुट्टी क्यों कर दी। तो स्वाभाविक रूप से क्या है कि एक्चुअल यहाँ से बताया गया जिला अस्पताल से कि सभी सैंपल निगेटिव आए हैं, तो इस कारण से बीएमओ महोदय ने वहाँ से उसकी छुट्टी कर दी थी। जो तत्काल पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही हमने उसको वहाँ पर जाकर घर में बातचीत की, और हमने 2 एम्बुलेंस तत्काल यहाँ दमोह से बुलाई, और एम्बुलेंस के द्वारा उसको और उसके परिवारजनों को, कोविड केयर सेंटर तेंदुखेड़ा में, और पॉजिटिव यशवंत पटेल जी को यहाँ हम आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया, जहाँ उनका ट्रीटमेंट बाकायदा चल रहा है और कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार उसने स्वास्थ्य विभाग के ऊपर तहसील स्तर पर आरोप लगाए हैं, उसमें क्या कार्रवाई करनी है? हाँ, इसमें हमने बीएमओ तेंदुखेड़ा से बात की है, और उनसे हमने कहा है कि वो सतर्कता रखें। जिस किसी का भी सैंपल होता है तो जब तक उसके नाम की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक आप छुट्टी ना करें, क्योंकि यहाँ जिले से भले ये बता दें कि इतने नेगेटिव सैंपल आ गए हैं और होल्ड पर हैं, तो होल्ड पर होने के कारण जो है वो इस बात का ध्यान रखें कि इतनी रिपोर्ट की अभी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई है, तो जिनकी रिपोर्ट नहीं आई है तो उनको वहाँ पर रोक के रखें। ये हमने उनको हिदायत दे दी है और कर रहे हैं।